अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। यूपी के 75 जिले, 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीटों में से प्रत्येक पर पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में साइकिल यात्रा चल रही है। दो फेज में होने वाली साइकिल यात्रा हजारों किलोमीटर का सफर तय करेगी। सपा और उसके फ्रंटल संगठन अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। प्रयागराज से 9 अगस्त से शुरू हुई देश बचाओ समाजवादी साइकिल यात्रा अभी तक अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 जिलों में घूमकर करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। इस यात्रा का पहला फेज 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर समाप्त होगा। वहीं 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर लखनऊ से दूसरे फेज की शुरुआत होगी, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर समाप्त होगा। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में साइकिल की सबसे लंबी राजनीतिक यात्रा है। सपा के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि 2017, 2019 और 2021 इन तीन चुनावों में हारने की टीस बताती है कि सरकार से बेदखल होकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर रह जाना वैसा ही होता है जैसे सुपरहिट फिल्म देने के बाद लगातार फ्लॉप का स्वाद चखना। बात अगर अखिलेश यादव के पहले और अभी तक के इकलौती बार मुख्यमंत्री बनने की करें, तो 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने बड़ी साइकिल यात्रा निकाली थी, जिसमें उन्होंने खुद साइकिल से चलकर दूर दूर तक की दूरियां नापी थी। और यही दूरियां जब जनता से नजदीकियों में बदली तो सीएम की कुर्सी मिलते उन्हें देर न लगी। लेकिन 5 साल बाद 2017 में अखिलेश इस यात्रा की सिर्फ बात ही करते रह गए, या यूं कह लीजिए कि चाचा शिवपाल से राड़ चल रही थी, जिसका नतीजा सबके सामने है। तब से योगी जी के हाथ लगी सीएम की कुर्सी उन्हीं के पास सुरक्षित है और सबसे लंबे समय तक यूपी का सीएम बनने का रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। खैर, वापस सपा की यात्रा पर आते हैं। यात्रा की पॉलिटिक्स का सपा का इतिहास पुराना रहा है। आपको याद होगा कि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने रथ यात्रा निकाली थी, जिसमें शिवपाल भी बैठे नजर आए थे। इसमें कहा गया था कि सीटें बढ़ेंगी और कुछ कुछ वैसा हुआ भी। सपा विपक्षी पार्टी तो बनी रही, लेकिन मजबूती उसे मिलती रही। अब देखते हैं, अखिलेश कुछ ऐसा ही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ सीखा हो, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले, उसका सीधा नतीजा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। ऐसे में अखिलेश भी अब साइकिल यात्रा को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के इस नए एक्सपेरिमेंट का क्या असर पड़ता है, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।